नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सामली। आज हम बात कर रहे हैं देश के बहुत ही प्राचीन पहलवान व कुश्ती कोच गुरु श्री चिरंजी नाथ जी के बारे में। गुरु चिरंजी नाथ का जन्म सन 1889 में दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम वैद्यनाथ और माता का नाम श्रीमती गुलाबो देवी था। गुरु चिरंजी नाथ बचपन से ही खेल प्रेमी व्यक्ति थे। अपनी मेहनत के दम पर गुरु चिरंजी नाथ ने रुस्तम हिंद जैसी उपाधि अपने नाम कर ली थी। गुरु चिरंजी नाथ चाहते थे कि कुश्ती का खेल युवा पीढ़ी में लोकप्रिय हो। इसी बात को सोचकर के गुरु चिरंजी नाथ ने दिल्ली में कुदसिया घाट यमुना किनारे पर अपने अखाड़े की स्थापना की थी। यहाँ पर गुरु चिरंजी नाथ लगातार पहलवानों को प्रशिक्षण देने लगे। जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा गुरु चिरंजी नाथ पहलवानों में देखना चाहते थे, वह प्रतिस्पर्धा पहलवानों में दिखाई नहीं दे रही थी। तब गुरु चिरंजी नाथ के मन में एक विचार आया। गुरु चिरंजी नाथ ने भीम दल, शिव दल, विष्णु दल, राम दल जैसे दलों का निर्माण किया। इस तरह के 9 दलों का निर्माण गुरु चिरंजी नाथ ने किया था। हर एक दल में 10 से ज्यादा पहलवानों को शामिल किया गया था। गुरु चिरंजी नाथ इन दलों की आपस में प्रतियोगिता करवाया करते। जो भी दल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आता, उस दल के पहलवानों को उचित इनाम के साथ साथ में एक एक घी का कनस्तर दिया जाता था। गुरु चिरंजी की इसी सोच के कारण गुरु चिरंजी नाथ के अखाड़े से देशराज पहलवान, रिसाल पहलवान, भगवाना पहलवान, मास्टर चंदकी राम पहलवान जैसे दिग्गज पहलवानों का उदय हुआ। गुरु चिरंजी नाथ के 2 पुत्र थे, पंडित परसाराम और पंडित पुरुषोत्तम। पंडित परसाराम जी ने पहलवानी का रास्ता चुना और कानपुर के अंदर हिंद केसरी का खिताब अपने नाम करके अपने पिता की विरासत को 4 चांद लगा दिए थे। सन 1945 में गुरु चिरंजी नाथ के लड़के पहलवान परसाराम की बारात गुड़गांव के निकट भाड़ावास गांव में गई थी। इस बारात में ज्यादातर लोग पहलवान ही थे। भाड़ावास के अंदर एक नागरिक ने कहा कि बारात में सभी पहलवान लोग हैं। कोई पहलवान इस प्रकार का कर्तव्य करके दिखाए जो आज एक याद बन जाए। तब देशराज पहलवान ने भरी हुई चड़स को अपने हाथों से खींच करके दिखाया था। चारों ओर से तालियां बज उठी थी। इस प्रकार से आज भी भाड़ावास के लोग उस बारात को याद करते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार की बारात हमारे गांव में ना तो पहले आई और ना इसके बाद आई है। यह बारात भाड़ावास में 4 दिनों तक रुकी थी। 5वें दिन पहलवान परसाराम के ससुर महावीर प्रसाद व सास श्रीमती सावित्री देवी ने अपनी लड़की भगवती देवी को पहलवान परसाराम के साथ में विदा कर दिया था। पहलवान परसाराम की शादी हो गई। सब कुछ अच्छी प्रकार चल रहा था। सन 1965 में गुरु चिरंजी नाथ इस दुनिया को छोड़कर के चले गए। अब सारी जिम्मेदारियां पहलवान परसाराम जी के ऊपर आ गई थी। पहलवान परसाराम जी ने भी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। दोस्तों, यह सब बातें मुझे गुरु चिरंजी नाथ के लड़के पहलवान श्री परसाराम जी की धर्मपत्नी भगवती देवी ने बताई थी, इसीलिए मैं आज यह सब बातें आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार की बातें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। पहलवान परसाराम को 3 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम अशोक वशिष्ठ, दूसरे पुत्र का नाम विष्णु वशिष्ठ, तीसरे पुत्र का नाम नरेंद्र वशिष्ठ रखा गया। सन 1985 में पहलवान परसाराम जी भी दुनिया को छोड़ करके चले गए। इसके बाद में सारी जिम्मेदारियां पहलवान अशोक वशिष्ठ जी के ऊपर आ गई। वर्तमान समय में भी इस अखाड़े के संचालक श्री अशोक वशिष्ठ जी हैं, जो महीने के हर प्रथम रविवार को शानदार दंगल का आयोजन करते हैं और बच्चों को उचित इनाम देते हैं। यह अखाड़ा दिल्ली में वर्तमान समय में ISBT के निकट उदसिया घाट यमुना किनारे पर स्थित है। नमस्कार दोस्तों।